हे वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वीवो का IQ Z6, जो कि बहुत ही जबरदस्त बजट फोन है। तो चलिए दौड़ के चलते हैं और चल करते हैं इसका ओवरव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे एकदम ही नजर आ गई वो है इसका बैक पैनल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अनोखा बैक पैनल दिया गया है इसमें, जो मस्त अपना रंग बदलता रहता है धूप में। और अगर आप इधर उधर आप घुमा के देखें तो ये इसका काफी बढ़िया दिया गया है। ये काफी अनोखी चीज है इसकी और काफी मस्त लगती है देखने में। इसके साथ ही दोस्तों, इसके ऊपर दिए गए हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का बुके लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज में चलता है और जिसके कलर्स काफी बढ़िया है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में। और दोस्तों, इसमें नीचे की तरफ मिलता है आपका USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही इसमें यहां पे नीचे दिया गया है स्पीकर और में है हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जो कि चीज इसकी बहुत गजब की लगती है। और इसके साथ ही हमारा प्यारा 3.5 mm का जैक भी देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। इसके साथ ही साइड में इसमें आपको मिलते हैं आपके वॉल्यूम बटन्स और साथ में पावर ऑन ऑफ बटन। और पावर ऑन ऑफ बटन के ऊपर दिया है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, बहुत ही जबरदस्त तरीके का। और ऊपर की तरफ इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, बाकी स्पेक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 695 स्नैपड्रैगन का बढ़िया प्रोसेसर, 8 GB की रैम और इसके साथ ही आपको 128 और 256 GB की स्टोरेज का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जो मेरे पास है ये है आपका 128 स्टोरेज ऑप्शन वाला। तो ये बात हो गई दोस्तों इसके छोटे से ओवरव्यू की। अब चलिए दौड़ के चलते हैं स्वॉट एनालिसिस पे और बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके जबरदस्त स्ट्रेंथ्स की। दोस्तों, सबसे बढ़िया और सबसे पहली चीज जो कि मुझे इसकी लगती है जबरदस्त वो है इसका प्यारा डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया दिया गया है। हालांकि ये नॉर्मल LCD पैनल है, AMOLED डिस्प्ले इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, पर इसके जो कलर रिप्रोडक्शन वो बहुत ही अच्छे है। और इसके साथ ही ये 120 हर्ट्ज पे चलता है, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता है। और चलाने में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आता है वो एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त है इसमें। और दोस्तों, अगर इसके व्यूइंग एंगल देखें तो इसके व्यूइंग एंगल भी काफी प्यारे हैं। तो ओवरऑल अगर आपको मीडिया कंजप्शन करना है इस डिवाइस पे, तो मीडिया कंजप्शन के लिए काफी बढ़िया डिवाइस है ये। अगली चीज जो दोस्तों इसकी जबरदस्त लगती है वो है इसका जबरदस्त फन टच OS। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने जो अपना कस्टमाइज करके फन टच OS इसमें डाला है वो काफी बढ़िया है। इसमें काफी सारे फीचर दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा फीचर से भर दिया गया है। और साथ में आपको कोई भी एड या फिर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ और काफी बढ़िया रहता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब इसमें आप दोस्तों सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलवेज ऑन पैनल भी मिलता है, इसमें आपको फेस अनलॉक जैसे आपका होगा उसका एनिमेशन, उसका चार्जिंग एनिमेशन, उसके आपके जो भी आपका होम स्क्रीन पे एनिमेशंस है उसका सेटअप सब कुछ दिया गया है। एक एक चीज़ आप बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये मुझे इसकी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इसके साथ ही दोस्तों, इसमें आपको मिलता है हमारा प्यारा पुराना FM रेडियो का भी सपोर्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको प्रीबिल्ट ऐप मिलती है FM रेडियो के लिए, जिसमें आप वायर्ड ईयरफोन को कनेक्ट करके अपना रेडियो भी सुन सकते हैं, जो मुझे काफ़ी सही लगी इसमें यह चीज़। ये चीज़ जो है दोस्तों आजकल काफी सारे फोन्स में से मिसिंग रहती है, तो इसमें इन्होंने ये चीज इंक्लूड करी है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। अगली चीज जो दोस्तों इसकी मुझे जबरदस्त लगती है वो है इसका बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, 5000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है और बैटरी कंजम्पशन भी काफी लो है, जिसकी वजह से आपको 2 दिन का बैकअप आराम से देखने के लिए मिल जाता है नॉर्मल यूजेज के ऊपर। और अगर आप हैवी यूजेज करें तो भी आपका 1 दिन का यूजेज आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मिल जाता है। तो अपना फोन उठाइए और जबरदस्त गेम खेलना चालू कर दीजिए बिना किसी भी टेंशन के। अगली चीज दोस्तों इसकी सबसे गजब की मुझे लगती है वो है इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने काफी दिन इस्तेमाल किया और इसमें मुझे एक भी लैग देखने के लिए नहीं मिला। मैंने इसमें काफी हैवी गेम्स चलाए और सारे गेम्स आपके मीडियम टू हाई सेटिंग्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं बिना लैग किए और बिना हीट किए। जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। वीवो ने इसमें बढ़िया लिक्विड कूलिंग टेक्निक भी लगा रखी है, 5-5 लेयर मिला जुला के बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करी गई है, जिससे आपका ये हीट भी नहीं होता है और आपका बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस भी देता है। तो ये मुझे इसकी चीज काफी गजब की लगी। Chasing
contact with enemy. और दोस्तों इसमें आपके गेम स्पेसिफिक भी काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो इसमें अगर आपको गेम की परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, इसमें आपका अल्ट्रा गेम मोड भी दिया गया है और इसमें आपका सारे गेम रिकॉर्डिंग से भी फीचर दिए गए हैं, तो ये सारे जो छोटे 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 टचेस हैं आपके फन टच ओएस के, ये इसको काफी बढ़िया बना देते हैं यूज करने में और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ स्ट्रेंथ, अब चलिए दौड़ के चलते हैं वीकनेस के ऊपर और बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी इस फोन में। तो दोस्तों अब है क्या कि सबसे पहली चीज़ जो है वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, वीवो के फ़ोन जो होते हैं वो कैमरे की क्वालिटी के लिए काफ़ी फेमस होते हैं, कैमरा उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, पर इस फ़ोन में मैंने देखा कि आपकी फ़ोटो खींचने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कलर्स को बैलेंस कर देता है और काफ़ी ज़्यादा कलर्स को एनहेंस करने के लिए इसमें AI सब कुछ घुसे पेड़ के लगा रखा है, पर उससे होता क्या है कि पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, खासकर आपका इनडोर लाइटिंग कंडीशंस में। जी हाँ दोस्तों, इनडोर लाइटिंग कंडीशन में अगर आपका वाइट है तो बहुत ज़्यादा वाइट की तरफ चला जाएगा, आपका डार्क होगा तो बहुत ज़्यादा डार्क की चला जाएगा। कलर को बैलेंस करने के चक्कर में इन्होंने जो भी एल्गोरिथम लगाई, ये एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे इसके कैमरा से। अगली चीज़ तो दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, वो है इसका ये नीचे जो नोटिफिकेशन लिखे हुए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये जो नोटिफिकेशन लिखे हुए आ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन अपने आप गायब ही नहीं होते हैं, और अगर ये गायब नहीं हो रहे तो फिर आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके गायब होते हैं। तो शायद एक छोटा सा कोई बग है जिसको वीवो अपनी अपडेट्स में दूर कर सकता है, क्योंकि वैसे भी वीवो ने कहा है कि इसमें आपको दो एंड्रॉयड की अपडेट्स मिलेगी ही मिलेगी और साथ में आपको सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत सारे लंबे टाइम तक मिलती रहेगी, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो अगर वीवो इस बग को अपने नेक्स्ट अपडेट में दूर कर दे तो काफ़ी सही रहेगा और यूज़ करने में इसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए दौड़ के चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको लगाकर इसकी यूज़र एक्सपीरियंस और इसकी फंक्शनैलिटी को और एनहेंस किया जा सकता है। दोस्तों पहला फीचर है आपका इसका गेम मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें गेम मॉनिटर के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर तो दे रखे हैं, पर इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है गेम खेलते हुए टाइम कि आपका CPU यूजेज GPU यूजेज क्या चल रहा है, तो उसके लिए इसमें जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दे रखी है, क्योंकि क्या होगा जैसे ही आप टच करेंगे वो साइड पैनल आपका साइड में चला जाता है और आप कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं कर सकते। तो अगर ये चीज़ पे ऐड करा दें कि हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाए कि हमारा कितना प्रोसेसर कितना CPU यूजेज आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जैसा कि आपका ASUS और बाकी सारे फोन्स में देखने के लिए मिलता है। अगली चीज़ दोस्तों इसमें एनहेंस करी जा सकती है थोड़ी सी, वो है इसका वायरलेस FM। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या है इसमें वायर्ड FM दिया गया है। अब वायर्ड FM क्या है कि केवल आपको वायर्ड ईयरफोन्स के साथ ही सपोर्ट करेगा, अगर आपने वायर्ड ईयरफोन्स नहीं लगाया तो फिर आप FM नहीं सुन सकते, लेकिन है क्या कि हमारे पास ब्लूटूथ के पार्ट्स भी रहते हैं, ब्लूटूथ से चलने वाले नेक बैंड भी रहते हैं, तो अगर ये लोग वायर्ड FM की जगह इसको वायरलेस FM दे दें तो बहुत ही गजब की चीज़ हो जाएगी और आप बिना किसी भी दिक्कत के कहीं भी FM सुन सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। अगली चीज़ तो दोस्तों इसमें थोड़ी और बेटर दी जा सकती है, वो है इसका चार्जर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 18 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है। पहली बात तो शुक्र बनाइए कि इसमें आपको चार्जर देखने के लिए मिलता है, पर है क्या कि ये चार्जर आपका 18 वाट का है और 5000 mAh की बैटरी है और 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है। अगर इसमें 18 वाट की जगह 30-33 वाट के जो चार्जर होते हैं जो कि आपका बाकी फोन में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपका OnePlus हो गया, तो आपकी इसमें चार्जिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी जल्दी चार्ज होगा ये और बढ़िया तरीके से हम इसमें यूज कर पाएंगे इसको। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपॉर्चुनिटीज की, अब चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके बढ़िया कॉम्पिटिटर हैं जो शायद कुछ मामलों में इससे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी देते हैं। तो दोस्तों पहला इसका कॉम्पिटिटर है OnePlus Nord CE2 Lite, इतना लंबा नाम रखा हुआ है OnePlus वालों ने, और इसके साथ ही ये जो फ़ोन है काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, इसका UI भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके साथ ही इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, साथ में 33 वॉट्स की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है। इसकी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और OnePlus की तरफ से ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कि आपको 17,000 तक की रेंज में मिल जाता है, जिस रेंज में आपको ये फ़ोन मिलता है ये भी आपको 17,000 से 17,500 तक की रेंज में मिल जाएगा, OnePlus भी आपको इसी रेंज में मिलता है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है और आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों इसका कॉम्पिटिटर है वो है आपका सैमसंग का M33 5G फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, अब सैमसंग का फ़ोन जो है वो भी आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देता है और इसके साथ ही इसमें भी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दिया गया है और साथ में सैमसंग का
वन यूआई भी, आप सामने का जो वन यूआई है वो भी आपका फीचर्स में काफी अच्छा है, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको बढ़िया डिस्प्ले और सैमसंग का बढ़िया परफॉर्मेंस भी चाहिए यूआई का, वन यूआई का, तो आप बिल्कुल सैमसंग को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी इस रेंज में काफी अच्छा फोन है। तो दोस्तों बस ये था हमारा छोटा सा वीवो का IQ Z6 का रिव्यू। आप मिलते हैं हम लोग फिर किसी बढ़िया गैजेट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे अगली बार।